वो खड़ी मेरी मम्मी और मम्मी के कॉलेज फ्रेंड आए हैं उनकी वाइफ के साथ, और अमान भी है, देख सकते हैं आप लोग। ये रहा अमान और ये रही मम्मी और ये है अंकल और ये है आंटी। ये लोग आए हैं यहाँ पे, इनको भी कोई फ्लैट देखना है अच्छा सा, इनको भी नोएडा में शिफ्ट होना है। इसके लिए देखा मेरे फ़ोन का कमाल, कितनी 14वें फ्लोर से कहाँ पे ले लिया। ये देखो इतनी जूमिंग में देखो सबको, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। जो मैंने आपको दिखाया वो आप लोगों ने देख ही लिया है। अरे ये बाल कहाँ से निकल गया? जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो तो आपने देख लिया, देखा कितना जूमिंग करके दिखाया है। ऊपर नहीं आए तो मैंने सोचा ऊपर से मैं नीचे दिखा दूं। मुझे भी देख सकते हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, फर्स्ट क्लास रेडी। और मैं बस जाने वाली हूँ मम्मी और अल्तमश के साथ, कहीं काम से जा रही हूँ। तो अभी जस्ट मम्मी आ जाएंगी तो हम लोग भी निकल जाएंगे। फिर आज का ब्लॉग अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आज हम सब लोग बाहर ही बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़े बाहर के काम निपटाने, क्योंकि आप जानते हैं क्रिसमस भी आने वाला है, क्रिसमस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है क्रिसमस क्रिश्चियंस का, तो उसकी भी तैयारी करनी, सब कुछ करना है। मतलब ये जो दिन है ना, महीना, ये बहुत बिजी जाने वाला है, बहुत बिजी। और मैं पहले मुझे पता तो मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने सिंपल सा ये सूट पहना है क्योंकि ठंड भी है, और फिर ना हम जा ऐसी जगह जाए कि जहाँ पे सूट पहनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जगह के हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, जैसी जगह वैसा भेस। सही बात है ना, जहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए, ताकि थोड़ा सा ऊट पटंगना ना लगे, बस और कोई बात नहीं है। ये मेरी वो है, मेरा दिमाग ये बोलता है, बाकी आप लोग कुछ भी पहनो कहीं पे भी जाने से। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे बेटे। कैसे मुंह बना रहे हो? कूची पाए। कहाँ हो गया, क्या हो गया? शर्माना देखो। ये कितना टाइम की हो गई है? ये 4 महीने, मतलब 15-20 दिन। अच्छा, फिर वो बड़ी है सुरभि की। मैंने अंकल आंटी को नीचे से दिखाया था, अंकल आंटी ऊपर आ चुके हैं। ये है मेरे प्रीत अंकल, ये है आंटी। आंटी का नाम नहीं पता मुझे, रीटा आंटी। हाँ, साथ में आंटी भी रीटा आंटी। मैं प्रीत भट्टी, रीटा आंटी। अंकल वर्कआउट चल रहा है, फिट हो गया अंकल। 120 किलो पहुंच गया था, फिर 100 आया जॉगिंग कर करके। हाँ, उससे नीचे नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर जिम ज्वाइन किया, 3 महीने में मैं 10 किलो नीचे और आ गया, 90 हो गया। बट अंकल पता है, एक टाइम आता है वर्कआउट करना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और वर्कआउट तो लाइफ टाइम ही करना चाहिए। कैसी होती थी? अमान को देखा तूने? इसको नहीं, ये मेरी तारीफ से चल रही है यहाँ पे। ये मेरी तारीफ, ये भी ऐसी होती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत। अरे डांस, एक बार हम काम के लिए गए थे इंडिया, कहती मुझे अंकल को देख के, अंकल वो वाला सीन याद आ गया। याद है हम अपनी कुछ मेरे काम के लिए आए थे आपके यहाँ, मम्मी स्लीप होके नीचे गई। मम्मी सूज गई थी, उसे पीछे बाय बोलती, बाय धड़ धड़ नीचे बैठ गई जाके। उसके यहाँ क्या नाम है अपना, मैं हील पहनी हुई थी, जो भी था। हाँ, यूं मैं नीचे, मम्मी भी आ गई है, अंकल लोगों को छोड़, मतलब अंकल लोग अमान के साथ चले गए, अंकल और आंटी फ्लैट के लिए। तो मम्मी आ गई है, अब हम जा रहे हैं मम्मी, मैं और अल्तमश किसी काम से, वो मैं काम आपको नहीं बताऊंगी। कुछ तो सस्पेंस रहने दो भाई, फैमिली सस्पेंस। तो हम, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने लिपस्टिक लगा ली, मम्मी ने मुझसे बोला, क्या बोला था? कुछ नहीं, मैंने कहा कि जब बाहर जा रहे तो ये बिना मेकअप के जा रही थी, उनका हल्का। मम्मी ने बोला बेटा हमेशा सादगी में रहती है, थोड़ा सा कुछ लगा ले। सादगी में रहती है, सादगी में ही वीडियोस बनाती हूँ, कुछ तो हल्का सा लगा लो। कैसे लग रहे हम दोनों? ये इतने दिन से गई हुई थी ना, मन तो नहीं लगा मेरा, बट वही नानी को भी तो देखो, माँ को बेटी चाहिए, बेटी को माँ चाहिए, सबको यही। वापस बेटी के पास आ गई।
हमें कहीं पास में ही जाना है, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मा उबर मत करो, हम लोग ऑटो में ही चलते हैं, थोड़ी जो ठंड का मजा है ना मम्मी, कैसा लग रहा है अल्पेश? ये सालों बाद 10-12 साल हम इतने साल बाद ऑटो में बैठे, मम्मी और मैं बैठे हैं, नो डाउट अल्पेश का मुझे पता नहीं। हाँ तो ये तो अपनी गाड़ी में घूमता है, तो हम नोएडा में ही बैठे इतने दूर से, दिल्ली में नहीं घूमता हमने, अपने एरिया में ही घूमते हैं हम लोग, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, और हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। और यहाँ पे कैसे बताऊँगी, क्यों मैं घर में हूँ, ये है मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी कुचड़ू, मेरा कुचलू, मेरा मामू, इसको ना देखो ना मेरा मन नहीं लगता, पता है मैं आपको गाड़ी में भी मिस कर रही थी, पता है आपको मैं गाड़ी में भी मिस कर ली थी मेरे बेबी को, हनी चताना है ना मेरे बच्चे को, है ना। तो रात बहुत हो चुकी है, टाइम भी मतलब 10 बज चुके हैं, और ना मैं मतलब हम लोग जहाँ गए वो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे बट वो लोग आना नहीं चाहते थे, तो इसके लिए मैंने उन लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि जो कंफर्टेबल नहीं होता तो उनको दिखाना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ का ना माहौल भी कुछ ऐसा था, हम लोग दिल्ली साइड गए थे तो आपको पता कितना कंजस्टेड एरिया है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे डर के मारे फोन ही नहीं निकाला बाहर मैं दिल्ली में जाके अपना फोन नहीं निकालती, मुझे बहुत डर लगता है, और भीड़ भड़क के मैं तो बिल्कुल नहीं निकालती। तो बस अब खाना खाएंगे, महक ने बना दिया खाना, सुबह से 10 बजे मिल रहा है रात के मुझको खाना, वैसे महक ने मुझे सुबह भी खिलाया था जाने से पहले, बट वो ये जो अभी भूख लगी है ना वो अभी लगी है। हाँ हमारा क्या बना भाई, भूख लग रही है, गरम दाली बनाई है, ये चटनी बनाई है, जानू कौन सी चटनी है, ये हरी मिर्च धनिया की चटनी है, तहारी वहां पर रखी हुई है, दिखाऊंगी आपको, ये हमारी भाभी है इनको आप डेली देखते हैं ये भाभी है, ये कह रही मैं लड्डों से बचो, तुमने कटिंग कर ली बेबी, सही है भाभी की कटिंग करनी है, और वो मैं ही करूंगी, और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे करते हैं। मस्ती में बिजी है, आप लोग भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, कोको मिलन में दिखाती हूँ इसको, चुप बेटा बेटा मेरा बेटा मतलब बच्चा, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ, वो है खांसी भगाने का एक घरेलू नुस्खा। तो मैं आपको मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनको खांसी रहती है, अंदर अंदर रहती है, जो कभी कभी निकलती है वो भी अंदर से, मतलब जड़ से खांसी भगाने का नुस्खा आप लोगों को बताने वाली हूँ, और उसका इलाज ये है घरेलू नुस्खा खांसी भगाने का, मतलब इससे परमानेंट आपकी खांसी चली जाएगी। और ये है अदरक, और अदरक को मैं छील चुकी हूँ, बाकी का मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसका क्या बनाना है, मतलब बनाते बनाते ही दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, अभी पूरा नहीं बता रही हूँ, बनाने दो मुझे जरा क्योंकि अभी सब लोग रूम में हैं और बज गए हैं, पता क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है 1 बज गए हैं, और अभी मैं ये नुस्खा बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन पूरा बिजी था, कहाँ कहाँ में गई वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं कुछ ऐसे मतलब लोगों से भी मिलने गई थी, और ऐसी जगह पे भी गई थी कि मैं आपको नहीं दिखा पाई ना, वो सिचुएशन थी दिखाने वाली, क्योंकि हम लोग अपनी आंटी को देखने गए थे, आंटी बीमार है, मैं दुआ करूंगी कि आंटी जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि हमारे कजन ब्रदर की भी शादी है जनवरी में, तो इंशाल्लाह आमीन आंटी जल्दी से ठीक हो जाए, खुशी खुशी उनकी शादी अटेंड करें, बस मेरी यही दुआ है। तो यहाँ मैंने रख दिया है अदरक आग में, इसको थोड़ा सा मैं आग में गर्म कर लूंगी ताकि इसकी जो तासीर है वो गर्म हो जाए, क्योंकि इसकी गर्म तासीर की वजह से ही खांसी ठीक होती है, आप लोगों को पता है सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दी में नज़ला खांसी कितनी टाइप की बीमारियाँ भी साथ में आती हैं, बस इसके लिए ही ये मेरा जो नुस्खा है घरेलू नुस्खा खांसी भगाने का, इसके लिए ये यहाँ डाल दिया मैंने इसमें अदरक का पेस्ट गर्म कढ़ाई में,
तो ये गुड़ मैंने तोड़ दिया है और मैं इसको मैश कर रही हूँ। गुड़ को मैंने इसमें डाल दिया था साबुत, फिर उसको तोड़ दिया है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि कैंडी मैं बना रही हूँ, अदरक की कैंडी, खांसी की कैंडी, तो उसके लिए मैंने गुड़ को तोड़ दिया इसमें डाल के, आप देख सकते हैं। इसको फोड़ भी रही हूँ लगातार, साथ में फूटी रहा है। बस ये जब पूरा पिघल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अभी भी चला रही थी, क्योंकि इसको प्रॉपर पकाना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम प्रॉपर नहीं पकाएंगे तो हमें स्वाद नहीं आएगा कैंडी का जो मैं बनाने वाली हूँ खांसी के लिए। और ये उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छी, जिन्हें दम्मा खांसी होती है, कोई भी खांसी होती है, ये प्रॉपर जड़ है खांसी की, तो इससे कोई भी खांसी आपकी जा सकती है। आप लोग भी घर में ट्राई करके देखना, बहुत इजी रेसिपी है। यहाँ मैंने डाल दिया इसमें सब कुछ, हींग, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी और काला नमक। वाला नमक ना यूज़ करें, काला नमक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ मैंने इसमें देसी घी भी डाल दिया है, क्योंकि देसी घी सर्दियों के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है इसके लिए। तो इसको कर देंगे हम मिक्स, बाकी सब चीज़ों को मिक्स कर चुकी हूँ मैं। ये बनने वाली है टेस्टी सी कैंडी, हमारी कैंडी कैंडी कैंडी। को रेडी करने के लिए मैंने भुया रख लिया है, बाकी सब यहाँ पे फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। बना रही हूँ कितने बजे भाई, टाइम देखो, टाइम देखोगे 2 बज रहे हैं, ये मत देखो 2 बज रहे हैं। तो यहाँ मेरी कैंडी रेडी हो रही है और मैं लगी हुई हूँ अभी भी, मुझे कम से कम 1:45 हो गए ऑलमोस्ट। सब मेरी आंखें मत देखो, मेरी आंखें बहुत काली हो रही है, काजल लगाया बहुत टाइम बाद, मम्मी की वजह से मेकअप किया है और अमान यहाँ पे खा रहा है आइसक्रीम ऐसा चुप चुप के। तो बस ये बन रही है, ये बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, इसको ठंडा करने रखेंगे। पूरा का पूरा ही आप लोगों को दिखाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा प्रॉपर बना के दिखाऊंगी। जितना हम लोग इसको पकाएंगे उतना ही ये आपके गले के लिए अच्छी रहेगी, और इसकी एक गोली भी कोई खाएगा तो उसके गले में बिल्कुल खिचखिच नहीं होगी। ईमान से आप लोग भी बना के देखो। मैंने इसको निकाल दिया है एक बॉल में, तो ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे, कैंडी कैसे बनानी है। आप लोगों के अपने अपने अकॉर्डिंग है, यहाँ व्हाइट भूरा रखा हुआ है, आप समझ ही गए होंगे मैं कैंडी कैसे बनाने वाला। बस ये यहाँ से लिया ऐसे, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे। तो जो मैंने इतनी मेहनत की थी फाइनल उसका रिजल्ट ये आया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इजी है बहुत ज़्यादा बनाना, आप इसको घर में बना सकते हैं। घर में बना के बच्चों के लिए बनानी है तो छोटी कैंडी बनाएं, बड़ों के लिए बनानी है तो बड़ी कैंडी बनाएं। और ये एक गोली ऐसी है कि आपके डाइजेशन जो होता है वो भी ठीक करेगी, है आपको कॉन्स्टिप्यूशन भी नहीं होगा, प्लस आपकी खांसी आपको कभी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों के लिए है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये है इसका फाइनल रिजल्ट। रात के बज गए हैं 4 और मैं थक गई हूँ फाइनली, सब कुछ रेडी हो गया है, रेडी हुआ अभी दिखा दिया, फिर से एक बार और देख लो। तो अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, खांसी जड़ से ना जाए तो मुझसे बोलना। ठीक है।